गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स मैथ्स। और हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3.4 को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 प्लेइंग विद नंबर्स में। और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। सबको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 64, मैंने कहा इसके फैक्टर करो। क्या करो बेटा? फैक्टर। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 2 का डिवाइड करोगे। अब डिवाइड करना सबको आता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर आप 2 का करोगे, 2 1 जा 2 और 6। फिर आप 2 का करोगे 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार और फिर 2 का 1। तो 64 को आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। यही कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब जो भी डिजिट आपको गिवन हो उसके फैक्टर करना, जितना हो सके उतना सिंपल फैक्टर में लिखना। ठीक है, तो ये लिखना नहीं था आपको, बस समझना था। तो 3.5 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। और पहला क्वेश्चन है उसका बेटा, फर्स्ट का 2904, इसके हमें फैक्टर करने हैं। अब सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ही छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ही लिटिल स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़ा टफ है आपके लिए, लेकिन सतीश सर क्या करेंगे, उसे सिंपल बना देंगे, इजी बना देंगे। कैसे बना देंगे समझो। सबसे पहले 2904 में 2 का डिवाइड करो। सबसे छोटे डिजिट 2 का ही डिवाइड करते हैं, 2 के बाद 3 का बढ़ करते हैं, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, बढ़ते जाते हैं। 2 1 जा 2 1 बार, फिर 9, 2 4 जा 8 1 10, 0 ले लिया, फिर 2 5 जा 10, फिर 4 ले लिया और 2 2 जा 4। तो ये आ गया 2 से 1 4 5 2। अब वापस 2 का करके देखो जा रहा है क्या, तो 1452 में 2 का डिवाइड किया वापस, 2 7 जा 14, 2 2 4 जा 1 2 और 6 बार, तो ये आ गया मेरे बच्चे 7 2 6। अब जरा 7 2 6 में 2 का डिवाइड करो, करो आराम से, 2 3 जा 6, 1 ले लिया, 2 नीचे, फिर 2 6 जा 12, आ गई बात समझ में। अब आप क्या लेंगे मेरे बच्चे, आप लेंगे 6 लेंगे मेरे बेटा। अब 6 में करो, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया मेरा बच्चा आपका, आ गया कितनी बार गया 2 से, ये गया 363। अब लास्ट की डिजिट तो 3 आ रही है, तो 2 का तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा, 2 से आगे बढ़ो 3 का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 बार। ठीक है, अब जरा हम 3 का देख के देखते हैं जाता है क्या, 3 4 जा 12, 1 में तो जाएगा ही नहीं, फिर 3 का नहीं जाएगा, तो 4 का देखे देखो, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा। सर ना 5 का जा रहा है, ना 6 का जा रहा है, ना 7 का, ना 8 का, ना 10 का, जरा 11 का देखे देखो, आगे तक बढ़ जाओ, 11 का दो, 11 1 जा 11 1 1 11, अरे सर 11 का गया 11 बार, फिर 11 का गया 1 बार। तो आपका 2904 कितना आ गया मेरे बच्चे, 2 × 2 × 2 कितनी बार, 3 बार, 3 कितनी बार, 1 बार, 11 कितनी बार, 11 2 बार। तो ये कहलाता है प्राइम फैक्टर। क्या कहलाता है मेरे बच्चे, प्राइम फैक्टर। लिख लो इसे एक बार जल्दी से समझ समझ के, ये मत लिखना, ये तो आप क्या करोगे रफ कॉपी में करोगे, किस में करोगे, रफ कॉपी में, ना ये लिखना है आपको, जल्दी से लिख लो मेरे बच्चे। लिख लिया सबने, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 1500, 1500। तो देखिए 1500 में हमने सबसे पहले किसका किया, 2 का, आ जाओ यहाँ करते हैं, 1500 में 2 का डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 1 बचा
ज़ीरो ले लेंगे, टू फाइव जा टेन और फिर ज़ीरो, ऐसे कैसे, तो टू का किया तो आ गया 750। वापस टू का करके देखो, 750 में टू का कीजिए डिवाइड, टू सिक्स टू थ्री जा सिक्स वन और फाइव, टू सेवन जा फोर्टीन फिर वन टेन और टू फाइव जा टेन, तो ये आ गया 375। ठीक है, अब टू के बाद किसका करके देखते हो, थ्री का, तो थ्री का करके देखिए 375 में, थ्री से वन बार सेवन, थ्री टू जा सिक्स फिर वन और फाइव या थ्री फाइव जा फिफ्टी, तो थ्री से किया तो ये आ गया 125। ठीक है, अब 125 में थ्री का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, थ्री का कहोगे थ्री फोर जा ट्वेल्व, फाइव में नहीं जाएगा, फोर का नहीं जाएगा, फाइव का करके देखिए, फाइव का डिवाइड किया तो फाइव टू जा टेन फिर फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ये गया 25 बार, फिर फाइव का कीजिए फाइव बार, फिर फाइव का कीजिए वन बार, तो आपका 1500 का आ गया एक दो, टू की पावर टू थ्री और एक दो तीन फाइव की पावर तीन, ये हमारा फुल एंड फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, समझ समझ कर लिख लीजिए। लिख लिया, रेज करूं, थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें आ रहा है 3969। देखिए सोल्व करते हैं 3969, जब सोल्व करेंगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले डिवाइड कीजिए 3969, नाइन है लास्ट का डिजिट, टू का जाएगा नहीं, किसका करेंगे आगे थ्री का, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, फिर सिक्स ले लो टू बार जाएगा, फिर नाइन ले लो थ्री बार जाएगा, तो ये आ गया बेटा थ्री से वन थ्री टू थ्री। अब वापस थ्री का करके देखते हैं, वन थ्री टू थ्री में थ्री का करके देखो वापस, थ्री फोर जा ट्वेल्व फिर थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री में थ्री से वन बार, तो ये आ गया थ्री से फोर फोर वन। अब जरा फोर फोर वन में करके देखो किसका जाता है, थ्री से थ्री वन जा थ्री वन फोर, थ्री फोर जा ट्वेल्व टू से और ये वन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, तो ये गया थ्री से 147। अब जरा 147 में करके देखो बेटा, थ्री से थ्री फोर जा ट्वेल्व टू और सेवन, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री से गया 49। और हमें पता है 49 किसकी टेबल में आता है, सेवन की टेबल में, तो किसका जाएगा सेवन का, सेवन सेवन जा 49। तो देखिए 3969 को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक दो तीन चार, तीन कितनी बार चार बार, एक दो सात कितनी बार दो बार, तो आपका आंसर आ गया मेरे बच्चे 3 की पावर 4 × 7 की पावर 2। जल्दी से लिख लीजिए बच्चा, लिख लिया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया, अब आप होमवर्क में लिख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का डी फिर ई और फिर एफ, तीन मैंने करा दिए, तीन आपको घर से सोल्व करने हैं, और सोल्व करने ही हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि सर इनमें भी डाउट आ गया है, ना
फिर अच्छी बात नहीं है ना, आप भी तो कुछ सोल्व करोगे, आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। ये तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन है 9317-2907-4641, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, आप इन्हें आराम से घर से सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने के बाद मुझे बताइएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपके सॉल्यूशन का वेट करूँगा। और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जो भी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं डाउट्स के लिए, बेटा सैटरडे की जो क्लास होगी वो डाउट क्लास है, सैटरडे की क्लास में सारे डाउट क्लियर करूँगा, उससे पहले नहीं कर सकता। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सैटरडे का जो दिन होगा वो डाउट क्लास के लिए होगा, उस दिन मैं वीडियो बनाऊँगा आपके डाउट क्लास का, एक साथ सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ, होमवर्क करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर दूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।